चार चार गमले हो गए हैं इसके अंदर, मतलब घर के अंदर हो गए। और हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और सुबह सुबह भाभी स्टार्ट हो गई हैं कल से भरे सीरियल देखने के लिए। जी हाँ, आप सबका चहिता नहीं अनुपमा, कभी भी अनुपमा आ रहा हो तो उस टाइम पे हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच क्यों ना हो। है भाभी, शाम को नहीं देखते हैं, सुबह ही देखते हैं भैया। दिन में भी चलेगा, सुबह में चलेगा, जब रात में आएगा तब भी, और रिपीट से देखा जाएगा, क्योंकि कहा ही जाएगा कि दूसरे वाले ऐड के बाद में भूल गए देखना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके चक्कर में पूरा शो देखा जाएगा, हमने नहीं देखा था ना सामने, इसलिए। तो गाइस अभी चलते हैं भाई, ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह सुबह उठ गए हैं, सुबह गए थे यश को दद्दा छोड़ने और लेने में जाऊंगा। तो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 10:15 और यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई मंदिर में, मस्त पूरा धुआं धुआं इसलिए हो रहा है क्योंकि धूप जल रही है। और मैं जस्ट यश को लेकर आ गया हूँ स्कूल से। और ये भाई साहब क्या कर रहे हो, ये देखो ये ड्रेस उतार रहे हैं, ये देखो बिना बटन खोले मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, देखो ऐसे करके खींचेंगे तो फट जाएगी। एंड गाइस बहुत अच्छी बात है, आप भी सुन के बड़े हैरान हो जाएंगे कि ये भाई साहब, जी हाँ, इन्होंने आज अपनी एग्जाम में टॉप किया है। तो पिछले 5 दिन से यूट्यूब पे जानकारी भरी चीजें देख रहे थे, तो शायद उसी का रिजल्ट है, या और थोड़ा कोचिंग वगैरह लाओ खोलते हैं अब। तो गाइस ये देखिए, अब ड्रेस इनका निकल गया है, और ये ऐसे फेंकता कौन है रे ऐसे, और ये देखो टाई लगी हुई है, क्या हाल बना रखे हो भैया, बेल्ट उल्ट है कि नहीं। तो गाइस अब इनका ड्रेस वगैरह निकल गया है, और मैं इनको ही नहीं दीदी को भी लेकर घर पे आया हूँ। तो गाइस अभी मैं घर के बाहर आ गया हूँ, बहुत कसकी धूप हो रखी है, और बगल में दीदी और भाभी क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, है भाभी राजमा के पेड़ लगाए जा रहे थे, खेती हो रही थी, दीदी आई थी, है दीदी तो कितने पेड़ लगे, लगे 20-25 पेड़, और राजमा निकले गए उसमें से, वाह भाई। और ये भाई साहब देखो, इनका लुक अलग ही रहता है हमेशा, अनाज छिला मैंने अपने लिए, शुरू ही हो गए। मैं आया हूँ किचन में, और किचन में आने का मतलब है कि मैं जा रहा हूँ चाय बनाने। भाई साहब इनके लिए गर्म गर्म पास्ता बन चुका है, और ये मस्त बैठे हैं पास्ता खा रहे हैं, साथ में इनका टीवी सीरियल चल रहा है। कौन सा देख रहे हो सीरियल हैं, ये सब क्यों देखते रहते हो, टॉप करने की खुशी में हैं। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5, और दद्दा भी जस्ट आए हैं अभी घर पे, और भाभी बाहर हमारे लिए लेकर आई हैं चाय, धन्यवाद। और गाइस आज हम घर के अंदर कुछ करने वाले हैं, घर के अंदर आज हम पेड़ लगाने वाले हैं लिटरली। तो पेड़ आ गया है, ये देखिए ये साइड में रखा हुआ पेड़, और गमले आ गए हैं क्योंकि दद्दा लेकर आए हैं, और इस गमले में हम ना पेड़ लगा के घर के अंदर पेड़ लगाने वाले हैं लिटरली, सोचो। और ये है गमला भाई साहब, कुछ ऐसे हैं फाइबर के गमले, और इसी के अंदर हम घर में लगाएंगे आज पेड़, घर के अंदर पेड़ लगाएंगे। देखिए ऐसे गमले हैं, भाभी गमले को देख के लालच आ रही है ना, कह रही है इसमें कुछ किचन का सामान रखेंगे, ये लो मूंगफली के दाने लग गए। सभी हम जा रहे हैं पेड़ लगाने, लेकिन पेड़ लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये मिट्टी है, इसमें हम खाद मिक्स करेंगे, उसके बाद उसको गमले में डालेंगे, फिर पेड़ लगाएंगे, और पेड़ को अंदर ले जाएंगे, अंदर लगाएंगे। फाइनली यहाँ पे खाद भी इसमें मिक्स हो चुकी है, ये मिट्टी और ये खाद है, और अब यहाँ से मिट्टी लेंगे और फिर मिट्टी को इसमें मिक्स करेंगे। फाइनली यहाँ से मिट्टी भी लेने लगे हैं, और अब इसको इसमें हम मिक्स करेंगे। उंगली से मिक्स करने से क्या होगा कि जो क्वांटिटी है वो सब इक्वल रहेगी। तो गाइस अभी ये मिक्स हो गई है फाइनली ऑलमोस्ट पूरी तरीके से, इसकी हमने बारीकी से इसको मिक्स कर दिया, और अब गमले लेंगे, मतलब ये है रहा गमला, और गमले में मिट्टी को डालेंगे, और उसके बाद पेड़ को इसमें लगाएंगे। गाइस अभी चारों गमले हमने बाहर कर दिए, और इसमें अब मिट्टी रखेंगे, हम सब में इक्वल मिट्टी रहेगी। पेड़ रखा है हमारा यहाँ पे, और ओ भाई सब बड़ा भारी है, और चलो 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 भाई, लेफ्ट हैंड से उठा रहा हूँ। तो गाइस पेड़ भी आ गया, और गमले भी रेडी हैं, अब दद्दा जी इसको लगाएंगे। वाओ, और भाई जब ये अलग अलग लगेंगे घर के अंदर तो कितने प्यार लगेंगे, और इनको हम एक डिज़ाइन भी देंगे घर में। वाओ, अभी हमने सारे पेड़ों को, अपने पौधों को हमने प्लांट कर दिया है, गमले में लगा दिया, और ये रहा पीछे 1, 2, 3, 4, अब इसको हम ले चलेंगे घर में, और घर में लगाएंगे। इस अभी पानी लगाना है इसमें, चलिए पहले गमलों में पानी दे देते हैं। तो गाइस फाइनली पानी आ गया, और इसमें पानी जा रहा है, पहली बार देख रही हूँ। हाँ, तो पहली बार आप देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? अच्छा दीदी, आपको क्या सीखने को मिला आज? बहुत अच्छी सीख मिली कि पेड़ लगाना हो तो ऐसे ही लगाओ। वेरी गुड वेरी गुड। यस का बेटा यस आ गए, एक देखो छठ वाले अंदाज में, तो छठ पूजा के अंदाज में बढ़िया अंदर ले चल रहे हैं, और उसमें लग गया आराम से भैया आराम से, रुको मैं ओपन कर दे रहा हूँ।
चलो 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 चलो, आराम से आराम, देख के ऊपर चलो 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 चलो, ओए पर्दे में लग जाएगा, आराम से चलो, बैठ जाओ, बैठ के बैठ के बैठ के। तो गाइस फाइनली आ गया है, तो गाइस घर के अंदर पेड़ आ गए हैं हमारे, और ये वाले यहाँ रखो, ब्लू वाले दा, इसे मैच कर रहे हैं तो दिखेंगे नहीं, ब्लू वाले रखो। फाइनली चार चार गमले हो गए हैं इसके अंदर, मतलब घर के अंदर हो गए, और अभी क्या करना है हमको, प्लेसेस डिसाइड करनी है। तो गाइस एक परफेक्ट दादा, परफेक्ट परफेक्ट प्लेस। तो गाइस एक लग गया है, और दूसरा यहाँ पे लग गया, और एक यहाँ पे लगाया है हम लोगों ने, और फिर तीसरा, तीसरा गमला, और ये वाह परफेक्ट। एक बार गेट खोल के देखो, बस बहुत बढ़िया। तो गाइस दो गमले यहाँ लग गए, और दो गमले यहाँ लगेंगे, और भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं, बस इनको थोड़ा शेप देना पड़ेगा हमें। गाइस दो यहाँ पे और दो वहाँ पे। हे गाइस, तो अभी 9:10 हो चुके हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और घर पे आ रखी है दीदी। हेलो दीदी, हेलो कैसे हैं आप? दीदी आई है खाना बनाने। दीदी आते ही खाने पे लगा दी भाभी ने, और मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने। तो आज मस्त खाना बना है घर पे, बना है पनीर पूड़ी और सेवैयाँ। तो साथ में जीजा जी भी आए हैं। हेलो जीजा, कैसे हो आप? मस्त। तो जीजा जी भी खाना खा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने, और आज खाने में पनीर की सब्जी, सेवई और पूड़ियाँ। तो चलिए भी मस्त खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे आज के ब्लॉग में यहाँ पे एंड करूँगा। होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। तो मिलते हैं आपको कल एक नए दिन एक नए ब्लॉग में। अच्छे से हम लोग ने पेड़ वगैरह लगा लिया है, सब कुछ मस्त हो गया, खाना वगैरह भी खा लिया, और अभी मंदिर बंद करना है, फिर सोना है, क्योंकि सुबह उठ के एडिटिंग करूँगा। तो मिलते हैं आपको कल एक नए दिन एक नए ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।